विजन मुर्दाबाद। ताली भी नहीं टूट रहे। सारे कोई तारीखों में बुलाते रहे, ये तारीखों में बुलाते रहे, कोरोना में तारीखों में जाते रहे, कोरोना में तारीखों जाते रहे, इससे बुलाने क्या हो गया? सारे कोर्ट बंद थे, आप तारीखों में बुलाते रहे, तो मुकदमा की नौबत क्यों आ गई? आपने लीज का उल्लंघन कर दिया तो मुकदमे की नौबत आई, भाई क्यों मुकदमे का वेट कर रहे हैं? आज लीज बढ़ गई, यहाँ नहीं कोशिश कर रहा है, अपनी हरानी बचाव करता है। आज एक आदमी मकान किराए पे दे दो, एक बता मकान खाली कराना आदमी मुश्किल हो जाता है, जो बेचारे देने को तैयार है। बरेली वालों ने बढ़ा दी, हम कब्जा नहीं कर रहे हैं, केवल ये शाहजहांपुर में इनको ही नंबर बनाने हैं अपने। दो महीने और सही, जहाँ 15 महीने सब दिए हैं, 2 महीने और सही, 2 महीने और दे दो उनको बस। आप जैसे चाहो वैसे मारो साहब, हमारी तो रोजी जा रही साहब, हम हमारे बच्चे खड़े कौन कर रहे हैं? बेटा खाएगा लेकिन अब वो नहीं खा पाएगा, आप लोगों को आकर करोगे सर बात को वो नहीं, जो 25 साल से हमारे पिताजी बैठे हैं, हमारे काम आने का मौका आया तो हमें तो रिलीफ मिलना चाहिए, हम कह रहे कुछ भी था हमें तो रिलीफ मिलना चाहिए साहब, रोजी रोटी तो चाहिए साहब। आप चक्कर में तो यार कुछ और विस्तार से खबर हम आपको बताते हैं। कैंट एरिया में लीज पर दुकानें ली हुई थी, इसी बीच कैंट एरिया से ये ऑर्डर आया कि हमारी दुकानें खाली कर दो, लेकिन आपको बता दें दुकानदार पहुंचे कोर्ट में, डीजे के ये मुकदमा चल रहा था लेकिन आनन फानन कब्जा लेने के लिए आ गए। हालांकि सपा जिला अध्यक्ष ने पहले प्यार से काम निकाला, ये कहा कि 2 महीने का समय दे दो, 2 महीने के बाद हम धरना प्रदर्शन करने नहीं आएंगे, लेकिन जिला प्रशासन ने सपा जिला अध्यक्ष को जब ठेंगा दिखाया तो सपा जिला अध्यक्ष को जब गुस्सा आया और गुस्सा आने के बाद आपको बता दें किस तरीके से अन्याय जिला प्रशासन ने करा, वो नजारा हम आपको दिखाएंगे आगे। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है, लेकिन जिला प्रशासन ने चलाया चाबुक और चाबुक चलाने के बाद में पेट पर किस तरीके से रखा गरीब आदमी के लात, हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। लेकिन कुल मिला के आपको बता दें जिला प्रशासन ने 1 मिनट का टाइम नहीं दिया और ले लिया कब्जा किस अंदाज में, आइए विस्तार से हम आपको दिखाते हैं। बिल्कुल हम नहीं आएंगे, बिल्कुल सही बात, 2 महीने बाद हम नहीं आएंगे। पहले सुनिए, अभी जिनमें पांच दुकानें हैं जिनमें पीपीएड का फाइनल, पांच दुकानों का, पांच ठीक है, पांच पीछे इन पांच दुकानों का अभी इनको कब्जा देते हैं। नहीं आज आज आपको कानून की जानकारी नहीं, जानकारी है, अरे हम कह रहे नहीं फाइल है, आप बीजेपी नहीं मान रहे हो, सूत्र नहीं मान रहे हो, हम कह रहे नहीं फाइल है, तब भी एक इंसानियत के नाते आप 2 महीने का समय दिलवाइए, 2 महीने का समय दिलवाइए, 2 महीने का समय दीजिए, हम सब लोग खाली कर रहे हैं। नहीं आप नहीं दिलवाएंगे, हम अनिश्चित कार्य नहीं है, धरना प्रदर्शन शुरू करना है अभी, हम बैठ जाएंगे फिर, अभी हम बैठ जाएंगे, आप करिए, आप हम उठाइए फिर हम बैठ जाएंगे, आप नहीं नहीं आप इनको इससे बने, ये कोई बात नहीं हुई, ये कोई बात नहीं, आप हम लोग चलवाइए लाठी, हम नहीं देंगे। साल आपको 1 साल से ज्यादा का बात हो गई है, वो साल की बात, साल की
की बात खत्म कर दीजिए, बात जो हम कह रहे हैं 2 माह का समय कम से कम इन्हें दे दीजिए, 2 महीने बाद हम नहीं आएंगे, हम इनकी पैरवी नहीं करेंगे, एक इंसान इतना दे अपनी व्यवस्था कर ले, इनकी रोजी रोटी कहीं हो जाए, दो से पहले भी कर सकते हैं, 2 महीने का मांग रहे हैं, 2 से पहले भी कर सकते हैं, चाबी हम आपको दे देंगे, आगे चाबी खुद जमा कर देंगे, लोग चाबी जमा कर देंगे, हम आप 2 महीने का टाइम दीजिए, आप पहले इस मैटर आपको संज्ञान में नहीं है, अरे आप हमारे सब संज्ञान में है, हमारे सब संज्ञान में आ गया, 15 महीने से हमें सब संज्ञान में चलो संज्ञान पे करो, मतलब कोरोना का हुआ कि परेशानी जा, 15 महीने बस 17 महीने हो गया, खाली करा लेंगे तो नहीं करा पाओगे, बलपूर्वक नहीं होने देंगे, कोरोना में वैसे आप हमारी सबको लाठी चलाइए, हम भी खाएंगे साथ, मारने साथ ऐसा नहीं होगा, तो लोग मारो हमको, मर जाने मरे हम लोग, मर जाने मरे हम लोग, मरे हुए मरने के लिए तैयार है, लोग आप बलपूर्वक कराओ तो नहीं हो पाएगा, इनका फाइनल कराइए, 2 महीने के इनको समय दिला दीजिए, ये जो है आपको 2 महीने से पहले भी अपनी कोशिश करके आज से दुकानें ढूंढना शुरू कर देंगे, अपना इंतजाम कर लेंगे, और बाद में आप इनके जो सिंपैथी बाद में समझिएगा, वो बात तो कर दीजिए सिंपैथी इनके साथ, जो भी करिएगा आप इनको नीलामी में इनको मिल जाएगा, हां साहब बस इतना थोड़ा सा हम विनती कर रहे हैं, 2 महीने क्या बात है, हमें भी मालूम है साहब कि आप भी सरकारी कर्मचारी हो आप, और आखिरकार आपको बता दें जिला प्रशासन अपनी हठधर्मी पर अड़ा रहा, और उधर सपा के नेता और कार्यकर्ता यही कहते रहे कि 2 महीने का समय दे दो, लेकिन जब नहीं दिया गया नगर मजिस्ट्रेट ने साफ मना कर दिया, और इसी बीच पुलिस भारी भरकम बुला ली, और भारी भरकम पुलिस बुलाने के बाद जब सपा जिला अध्यक्ष उनके कार्यकर्ताओं ने भाप लिया कि अब जिला प्रशासन आर पार के मूड में है, तो सपा जिला अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं के साथ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए, और नारे लगाने के बाद फिर किस अंदाज में जिला प्रशासन ने कब्जा लिया, आइए विस्तार से हम आपको दिखाते हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ए लाला रुक, ये गोली के जिंदाबाद 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 जि
पुलिस प्रशासन ने ताले तोड़ने के बाद ताले डाल के सील लगा दिया। और इसी बीच सपा जिला अध्यक्ष को गुस्सा आ गया और सपा जिला अध्यक्ष ने जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के साथ साथ नगर मजिस्ट्रेट को लेकर क्या कुछ कहा, आइए विस्तार से हम आपको सुनवाते हैं और दिखाते भी हैं। प्रशासन को लेकर जिस तरीके से यहाँ हाँ ये टेंट की ये दुकानें हैं जो काफ़ी समय पहले लीज पर दी गई थी, इसके संबंध में इन्हें कब्जा लेने का और इन्होंने जो है कब्जा लेने के लिए ही हम लोगों की मदद की आवश्यकता पड़ी और हम अपने पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। इन्हें जो अपेक्षा थी उसके अनुरूप इन्होंने कार्यवाही की और आज चार दुकानों का यहाँ और पाँच दुकानों का पीछे की साइड में कब्जा लेने का, तो ये कार्यवाही कैंट के सीईओ साहब ने इनका जो आदेश था उसके अनुक्रम में हम लोगों ने अपने पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की यहाँ उपस्थिति रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नई वीडियो का अपडेट मिस ना कर पाएं।